कई हजार वर्ष पहले की बात है, अयोध्या नाम का एक सुंदर राज्य था जिसके राजा का नाम राजा दशरथ था। उनकी तीन रानियां और चार पुत्र थे। महाराज, क्या आपको याद है कि आपने मुझे दो वचन दिए थे? आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम 14 वर्ष के वनवास पे जाए। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास पे निकल। एक बार सीता माता ने एक सुनहरे रंग के हिरण को देखा। अरे, कितना सुंदर हिरण है, ये तो सुनहरे रंग का है। स्वामी, स्वामी। हाँ सीते, बता क्या हुआ? स्वामी, मैंने वहाँ एक सुनहरे रंग के हिरण को देखा है। क्या? लक्ष्मण, सीते। अरे, ये तुम्हें स्वामी की आवाज है। लक्ष्मण, लक्ष्मण। देखो, तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। हे माते, मेरे को ये कोई मायावी शक्ति का काम लगता है। आप चिंतित ना हो, भैया जल्दी ही लौट आएंगे। नहीं लक्ष्मण, मेरी आज्ञा का पालन करो, जाओ और अपने भैया की रक्षा करो। ठीक है माते। राम, लक्ष्मण सीता माता को कुटिया में ना पाकर बहुत चिंतित हुए और उनकी खोज में निकल गए। प्रभु श्री राम ने श्री हनुमान को अपनी अंगूठी देकर लंका भेजा। हनुमान हूँ, परंतु मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हें मेरे प्रभु श्री राम ने भेजा है? ये लीजिए माते, प्रभु श्री राम ने मुझे ये आपको देने के लिए कहा है। अरे, ये तो मेरी स्वामी की अंगूठी है। माता, आप चिंतित ना हो, प्रभु राम इस रावण का वध करके आपको लेकर जाएंगे। आप मुझे आज्ञा दीजिए माते। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान लंका पहुंच गए और श्री राम और रावण का घमासान युद्ध हुआ और जिसमें प्रभु श्री राम विजय हुए। इसलिए इस दिन को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।